तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं नितिन गाइस, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। तो आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े बड़े एथलीट का कंपटीशन करने वाले हैं, जो कि रायन टेरी वर्सेस आज इरिन बैंक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं ओलंपिया में कितने सिर्फ ओनली 1 वीक आउट है, तो बहुत सारे मतलब अपडेटेड आ रहे हैं। तो जो कि आपको दिन का 2 वीडियो मिलेंगे गाइस, तो एक में सारा अपडेट मिलेगा एंड एक में कंपटीशन का वीडियो कर लेंगे अपना जो भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं रायन टेरी वर्सेस इरिन बैंक्स गाइस। सो फटाफट हम दोनों का कंपटीशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इरिन बैंक्स के बारे में। देखो इरिन बैंक्स अभी रिसेंटली, जो कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे, दुबई वाले प्रोशो में उन्होंने जीता और एक अच्छा पैकेज डिस्प्ले करा। लेकिन एक मेजर इंप्रूवमेंट की बात करूं, एक मेजर चेंज की बात करूं, तो वैसा कुछ वैसे में देखने में नहीं लगा। क्योंकि देखो यार, एक एथलीट ना 6 महीने 7 महीने में कोई बहुत ज्यादा आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। उसमें भी एक मैथ्स वीक का एथलीट है जिसको की कैटेगरी 22 आपको हाइट के अनुसार आपको वेट भी उतना ही लेकर जाना है, तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट वैसा नहीं है। बाकी ऑन स्टेज कंडीशन में थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है कि पिछले साल कितने कंडीशन हिट करा, इस बार कितने कंडीशन हिट करा। तो इरिन बैंक्स देखो देखने में तो बहुत सिमिलर लग रहे थे, लेकिन हाँ एज थोड़ा सा इनका फिजिक के बारे में भी बात करेंगे गाइस। तो देखो कंप्लीट मैथ्स वीक का जो फिजिक होता है ना, वो इरिन बैंक्स का, इनका हाइट थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना बहुत ज्यादा सिमेट्रिक भी लगता है, प्रोपोर्शन भी बिल्कुल ऑन पॉइंट लगता है। बाकी अभी जो दुबई वाले प्रोफेशन में इन्होंने डिस्प्ले करा फिजिक का, बिल्कुल एकदम नेल्ड फिजिक, मतलब टॉप लेवल की बोलते हैं जिसे ना, बिल्कुल टॉप नॉच कंडीशन उन्होंने डिस्प्ले करा। करंट फिजिक की बात करूंगा, फ्रंट लुक से गाइस आप लोग देख सकते हो इनका जो कोर सेक्शन है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, एंड चेस्ट भी देख सकते हो बहुत ज्यादा फुलर और हार्ड भी है। अपर चेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिग जरूर लगता है, शोल्डर देख सकते हो गाइस आप लोग राउंड भी है, और जो डिफ्रेंशिएट की बात करते हैं आर्म्स में, बाइसेप ट्राइसेप में, वो शोल्डर में दिख रहा। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करूंगा, फिजिक बहुत बढ़िया लगता है। बाकी बैक की बात करूंगा तो बैक में भी इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है लास्ट के 1-2 साल में, जिसकी वजह से गाइस आप लोग देख सकते हो कि बैक में जब ये पोजिंग करते हैं तो बिल्कुल लोअर बैक की बात करूं या सेपरेशन की बात करूं, मसल की बात करूं, बिल्कुल सेपरेटेड बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल फिजिक की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं इरिन बैंक्स बहुत अच्छा फिजिक डिस्प्ले कर रहे हैं अभी। एंड गाइस अभी करंट कंडीशन के अनुसार देखूं तो बहुत ज्यादा हार्ड टाइट ऑफ फिजिक लेकर आएंगे ऑन स्टेज, मेरे को ऐसा लग रहा। और इरिन बैंक्स का माइंड सेट जो है ना बहुत ज्यादा शार्प है, मतलब ये एथलीट ना बिल्कुल चैंपियन एथलीट है और इनको पता है किस तरीके से कम बैक। तो देखो इस बार ना उलटफेर हो सकता है कहीं ना कहीं टाइटल में, इरिन बैंक्स अपना टाइटल को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यार मतलब जिस अनुसार इनका भी इन्होंने अपना जो पिक भी हिट कर दिया, कंडीशन वाइज भी हिट कर दिया। क्योंकि यार देखो आजकल का जो जज है ना, लास्ट ईयर देखा आपने रायन टेरी को बाय द कंडीशन ही जिताया गया, कंप्लीट फिजिक जैसे कि कंडीशन मैन फिजिक का सब लोग कहते हैं करके। तो इस तरीके से इनको काम करके ऑन स्टेज थोड़ा सा और पिक करके आने पड़ेंगे गाइस। बाय द वे आप लोग के अपना भी कुछ राय विचार सहमति है, तो वो भी गाइस आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी बाय द वे अब बात करते हैं रायन टेरी की। बात करते रायन टेरी का ऑलमोस्ट हो गया 1 साल, 1 साल में इंप्रूवमेंट की बात करूंगा तो यार कोई माइनर ही जो भी दिखेगा, मेजर इंप्रूवमेंट वैसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि इनका भी मैनसिक एथलीट है तो इनको भी अपना हाइट के अनुसार ही इनको अपना बॉडी वेट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत 4-5 kg मसल मास पुट ऑन कर लोगे, ऐसे तो कुछ है नहीं करके। जितने हाइट है जिनके अनुसार जितना जिनका फिक्स है वैसे ही डिस्प्ले करने पड़ते हैं। बाकी फिजिक की बात करूंगा तो फिजिक में वैसे ही देख सकते हो इनका मतलब मिड सेक्शन जो अट्रैक्टिव बात करें, लेकिन देखो यार मिड सेक्शन की बात करूंगा ना तो रायन टेरी और भी अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब इंप्रूवमेंट जो आपको दिखेगा वो मिड सेक्शन में इनका दिख सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर से और इस ईयर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट लग रहा, मतलब जो डेप्थ है ना एप्स में वो बहुत ज्यादा दिख रहा, ओब्लिक सेक्शन भी दिख रहा है, बिल्कुल शार्प लग रहा। बाकी फाइबर तो यार इनके पूरे बॉडी में बिल्कुल टॉप अप बिल्कुल ऑन पॉइंट दिखता है। बाकी शोल्डर देख सकते हो कितना ज्यादा राउंड और स्ट्रेट लग रहे, बिल्कुल एकदम। देखो मैं फिजिक जो एथलीट की बात करूंगा, फिजिक की बात करूंगा, फिजिक है, सिमेट्रिक है, कंडीशन है, कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कंप्लीट पैकेज की बात करोगे मैन फिजिक में, जिस तरीके से हाइट है इरिन बैंक्स का, तो वहां पर लैक कर जाता है रायन टेरी। रायन टेरी का हाइट कहीं ना कहीं छोटा है इरिन बैंक्स से। बाकी शोल्डर देख सकते हो राउंड भी लग रहा, चेस्ट भी बहुत ज्यादा फुलर हार्ड लग रहा। बैक की बात करूंगा तो देखो बैक में इनका थोड़ा बिट है, थिकनेस कहीं ना कहीं लायक रहता है, सेपरेशन जरूर कहीं ना कहीं मसल में दिखता है, लेकिन जो थिकनेस की बात करते हैं, जो इरिन बैंक्स के बैक में आपको थिकनेस दिखेगा, लेट्स देख सकते हो लोअर लेट्स कितना ज्यादा इरिन बैंक्स के नीचे आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो बैक है थोड़ा सा उनसे कहीं ना लायक है। वो फ्रंट लुक से तो कहीं ना दबाव बनाएंगे पूरा, लेकिन बैक की भी बात करूंगा तो यार इरिन बैंक्स आसपास नहीं आने देंगे रायन टेरी को। बाकी देखो ये तो हमारा अपना राय विचार है, बाकी इनको भी बात करेंगे कंडीशन वाइज किस तरीके से पुट ऑन करेंगे, अपना कंडीशन को हीट करेंगे लास्ट के टाइम में, वो हम सबको देखना होगा। बाकी गाइस आप लोग को यदि मन में कोई राय विचार चल रहा किसी प्रकार के, तो आप लोग बताना कि
इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा, बाकी इस बार का टाइटल आपको क्या लगता है कौन से एथलीट्स वर्ग जितना, बाकी यदि मैं अपना बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का टाइटल ईरिन बैंक्स से अपना क्लेम करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंप्रूवमेंट के साथ मिस लाइक की एक माइंड सेट, अभी दुबई वाले प्लेटफॉर्म में अच्छे एथलीट वहां भी कम्पीट कर रहा था, वहां भी इन्होंने जाके जीता, तो कहीं ना कहीं मजा आ गया देखकर। तो एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लग रहा, एंड गाइज आप लोग को क्या लगता है इस बार का टाइटल कौन जीतेगा। बाकी इसके बाद हम वीडियो भी हार्डी छुपन और रेसलिंग स्पोर्ट के बीच में लाने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यार मोहब्बत ऐसे बना के रखो। गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।